नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में स्वस्थ गांव खुशहाल भारत। खाने के साथ सलाद में प्याज बहुत लोग खाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ये नहीं पता होता कि सलाद में खाया जाने वाला प्याज हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्याज खाने के फायदे। प्याज का नियमित उपयोग अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे अच्छे हार्मोन नींद लाने और मनोदशा को अच्छा रखने में मददगार साबित होते हैं। प्याज में मिलने वाले तत्व इन हार्मोन के स्त्राव में मददगार होते हैं। अतः नींद नहीं आती है तो कुछ दिन प्याज का नियमित उपयोग जरूर करके देखें। त्वचा का स्वस्थ रहना कोलेजन पर निर्भर होता है, जिसके लिए पर्याप्त विटामिन सी की आवश्यकता होती है। रोजाना प्याज का उपयोग करने से रूखी सूखी त्वचा कोमल और चिकनी हो जाती है, खून साफ होता है और त्वचा के विकार नष्ट होते हैं। 5 चम्मच प्याज का रस और 10 चम्मच शहद मिलाकर नियमित पीने से चेहरा चमक जाता है। इतना ही नहीं, ये शरीर को सुडौल बनाता है। प्याज से मिलने वाला विटामिन सी त्वचा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्याज का रस रुई की मदद से बालों की जड़ों में नियमित रूप से लगाने से बाल गिरना कम हो जाते हैं, साथ ही बालों का सफेद होना भी कम हो जाता है और बालों में जू का प्रकोप भी हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। प्याज का रस, अदरक का रस और घी 1-1 चम्मच मिलाकर कुछ सप्ताह लेने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। लू लगने पर प्याज को पीसकर हथेली और पैर के तलों पर घिसने से लू की जलन कम हो जाती है। एक छोटा प्याज छिलका निकालकर साथ में रखने से लू नहीं लगती है। गर्मी में प्याज का उपयोग जरूर करना चाहिए। किसी कीड़े मकौड़े के काटने या मधुमक्खी ततैया आदि के डंक मारने पर बहुत दर्द, जलन और सूजन हो जाती है। ऐसे समय में प्याज पीसकर लगाने से आराम मिलता है। प्याज का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर कुछ दिन लेने से सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि मिट जाते हैं। जोड़ों के दर्द में प्याज से आराम मिलता है। इसके लिए 3 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच नींबू का रस, नमक और आवश्यकता के अनुसार पानी मिलाकर एक समय कुछ दिन लेने से जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ होता है। अस्थमा परेशान करता हो तो 5 चम्मच प्याज के रस में थोड़ा काला नमक, चुटकी भर हींग और थोड़ा पानी मिलाकर कुछ दिन लगातार लेने से अस्थमा की परेशानी में आराम मिलता है। प्याज के रस में चीनी मिलाकर कुछ दिन लेने से छोटी गुर्दे की पथरी निकल सकती है। स्वस्थ गांव खुशहाल भारत में आज के लिए बस इतना ही। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल ग्रामीण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।